YouTube guys, तो कैसे आप लोग? Welcome back to my channel. मैं हूँ आयशा अस्लम. मैं हूँ हारिया खान. और मैं हूँ तो गाइज, अभी हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देंगे उस वीडियो का नाम है मेकिंग ऑफ जॉम्बी द लिविंग डेड राउंड टू हेल R2H. तो आप सभी को पता है हमारा पसंदीदा, आपके पसंदीदा, उसके पसंदीदा, उसके पसंदीदा, उसके पसंदीदा, उसके पसंदीदा, किस किस के मतलब तो स्टार्ट करेंगे. फिर वीडियो आगे देखने से पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दो. अब स्टार्ट करते हैं. ये डूब चुका है मेरा जूता. आज से हमारा शूट शुरू है और शूट का है आज पहला दिन, जो कि है एक नदी पर. ये नदी हमारे ही आसपास की जगह पर है लेकिन बहुत चौड़ी है और इसको हमने क्रॉस किया है, मतलब तैर कर नहीं. ये गंदी है तो तैर नहीं सकते इसमें और इतनी गहरी भी नहीं है, तो इसको चल कर पार किया है. सब लोगों ने पार किया है और अब और भी करेंगे. ये बस 30 सेकंड का सीन है और इसको लेने के लिए हमें सुबह 8 बजे निकलना पड़ा था और अब बज रहे हैं 2, दोपहर के 2. और लोकेशन नहीं मिल रही है तो जो लोकेशन है वो एक गांव में है और बहुत अंदर आ चुके हैं. हमें लगता नहीं ये कार का रास्ता है पर हमने डाल दी है कार. हाँ, तो इसमें आपका कैरेक्टर क्या है? मेरा कैरेक्टर जो है मैं इसमें प्ले करने वाला हूँ एक पीटर नाम के शख्स का. हे गाइस, मेरा नाम एडम है और इस वीडियो में मेरा कैरेक्टर जो है एक एग्रेसिव लीडर का है. बचाने के लिए जल भी खाता है और सेम टाइम पर जॉम्बी से प्यार भी करता है. मुझे पूरी वीडियो में खतरनाक भी दिखना है और सेम टाइम पे फनी भी. पुलिस वाला ऐसे खतरनाक दिखने लगा. मनोज नहीं, सॉरी, दोबारा करो. मेरा करैक्टर शमशीर नाम के करैक्टर है और मैं इस वीडियो में लग रहा हूँ. मतलब ज़ॉम्बी पर जो देख का ये स्क्रिप्ट कहाँ से आई थी? एडम जो है ना एग्रेसिव, इसके मुझे इसका कैरेक्टर इतना पसंद आया क्योंकि ज़ॉम्बी की बहुत सारी मैं 2 साल के बाद कहीं में फंसा हुआ था. 2 साल के बाद मैं आया हूँ और दुनिया बदल चुकी है. यहाँ के सारे लोग ज़ॉम्बीज बन चुके हैं. एंड गाइस, एडम का एक सपना भी है कि वो दक्षिण की ओर जाना चाहता है, टर्मिनल की तरफ. यार तो यहाँ पर हम सीन करेंगे. यहाँ पे अभी जो टेम्परेचर है वो है 35 डिग्री सेल्सियस. बहुत तेज गर्मी है, हम सबके मुंह ऐसे हो गए हैं लाल लाल से. एंड बाकी एडम इमोशन भी है उसके पास, आप ध्यान से देखोगे तो उसने अपनी टीम को बचाने के लिए है. हमारा नाजिम भाई ने डिसाइड करा इस लोकेशन पर कौन सा सीन होना है. इस लोकेशन पर जो सीन होना है वो से लड़ाई का सीन है, जो कि पहला सीन है वो नाजिम यानी के एडम का सीन है. यहाँ पे एडम की एंट्री होती है तेरी. तो यहाँ करने आए हम, ये हमारे घर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है. लोग ज़ॉम्बी बनने से पहले इनकी शक्लें देख लो आप, कितनी अच्छी. आपका नाम क्या है? मोहम्मद रेहान. रेहान कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करो, बताओ क्या है. अरे अरे ट्रेनर चक्कर आते कैरेक्टर के नाम. और मेरी अभी एंट्री होने वाली है जिसमें मुझे मसल्स दिखाने की ज़रूरत है. सो आई एम डूइंग माय एक्सरसाइज फॉर पंपिंग माय
भाई साहब सुनो सर, हम भी अपनी मजा आने वाला है। एक बंदा लंगड़ा और ऊपर से जुम्बिस पीछे पड़ रहा है, जुम्बिस कितनी तेज भागते हैं। मेरा नाम थोड़ा इंग्लिश है तो मुझे गेटअप भी थोड़ा इंग्लिश रखना था, मुझे अपनी बियर्ड को खराब कराना पड़ा, मतलब थोड़ी इंग्लिश लुक में रखना पड़ा। ये सब पहले मैं सोच रहा था ऐसी रखूं, ये गेटअप लूं, लेकिन मैंने जब बियर्ड ली तब ज़्यादा बेटर लुक आया। हेलो गाइस, गाइस ये डे टू है शूट का। गाइस ये हमारी पब्लिक वेट कर रही है, ट्रेन आने वाली है, देखते हैं आवाज़ आ रही है ट्रेन की। और यहाँ पर सस्ते बजट में बन रहा है मांस, इंसानी मांस। दिखाइए अपना इंसानी मांस, इंसानी मांस काला डलेगा यार, कलर क्या कलर हो गया है, थोड़ा रेड कलर लेती ना, कलर ऐसे स्लेट टाइप है ना, दिखाते मुझे इसे लगा रहे कितने गरम है क्या पटरी? गरम है और बैठने बैठने में कहाँ गरम हो गई सालों गंदों। गाइस ये देखिए, ये नक्शेबाज ज़ॉम्बी बैठे हैं हमारे पास। क्या आपको ये ज़ॉम्बी लग रहा है कहीं से? नहीं लग रहा ज़ॉम्बी, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। होली जैसा आवाज, होली से पहले ही होली खेल रहे हैं, और रंग बरसे भीगे चुंदरबानी रंग बरसे। आज कौन सा डे है? आज 15th डे है और हम आए हैं एक फैक्ट्री पर जहाँ पर शूट होने वाला है। ये अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ फैक्ट्री इस तरह से है। पर इसके अंदर शूट नहीं होगा, बाहर ही शूट होगा, और जो शूट है वो थोड़ा सा 2.5 मिनट का सीन है, और लगभग ये हमारा पूरा दिन ले जाएगा आज ये सीन। और यहाँ पर ये गेटअप ले रहे हैं, ये देखिए हमारा मेकअप का सामान, इससे हम जो भी बनाते हैं, थोड़ा सा कलर होली वाला, एंड ये फेविकोल, और ये क्या लड़की वाला फाउंडेशन, दिस इज द फाउंडेशन। तो गाइस फर्स्ट डे में और लास्ट डे लगभग आने वाला है, तो देखो टैनिंग कितनी हो चुकी है फेस पे, तो ये धूप की वजह से है, चली जाएगी, बट मेहनत बहुत हुई है बढ़िया, एंड वो पीछे सीन चल रहा है। और अगर उसको लग जाता जिसको चप्पल मार रहा है तो फिर अच्छा हो जाता, काम तो जाता। सही था यार, कितना ज़हरीला मुंह क्या, कैसा मुंह बना रखा है, चो रही है क्या दादी? तेरी माँ की चू, कितना फेमस है, तूने तो ज़ॉम्बी मारे क्यों? और यहाँ पर एक्टर रेडी, आर यू रेडी? चलो आजा बेटा, चलो जोकर यहाँ से मनाया। क्या मेकअप किया आवाज, चलो गाड़ी उधर देख, इधर हुआ मैं तरफ तू, गाड़ी देखो यहाँ पे रुक के, मेरी तरफ को करना है इधर रखना चेहरा, हाँ ये वैसे ही है, क्या कर रहा हूँ यार, बढ़िया बहुत बढ़िया करते रहे, आ जाओ आ जाओ, कोई बात नहीं बहुत बढ़िया, लैंग्वेज भूल गए हो गए, तू बोलिए वाली लैंग्वेज, बोलिए अलादीन में जो बोलता है, अलादीन वाली डायलॉग कौन सा था, उसका नाम बोलना, कौन है तू, मुझे मुझसे कौन है तू, कौन है तू, कौन है तू, कोई नहीं यार, कौन है तू, तू जानता नहीं है मोंटी कौन है, तू जानता नहीं, तू जानता नहीं है मोंटी कौन है, जानता नहीं है मोंटी कौन है, मागी।
अरे भाई आपकी देखो मैं अलग ही मेहमान एक्शन चलो चलो भरत आगे बहुत बढ़िया चलते रहो सब रेडी हो बहुत बढ़िया कैसे करनी है एक्टिंग बताओ सब एक बार मुंह बना के बहुत बढ़िया बहुत ये हंस रहा है हंसना नहीं है हंसना नहीं है बोलो देखो मैंने पहले कहा था जो एक दूसरे को देख कर नहीं करना चलो एक बार और करके दिखाओ जोम्बी बन के दिखाओ बहुत बढ़िया कर रहे हो बहुत बढ़िया। तो गाइस अभी जो सीन होने वाला है वो टंकी के अंदर ज़ॉम्बीज जाएंगे और जो ड्रोन है वो ऐसा आएगा और ज़ॉम्बीज अंदर की तरफ जाएंगे। थोड़ा एक टेक अंदर से ले लिया गया है लेकिन एक और ले रहे हैं तो दिखा दो ज़ॉम्बीज को गोली का पता चलिए नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री चिकन करी जो जो खाया वो बोल रहे चक्कर बहुत पड़ वो भी तो याद ना आ रही है मेरे खालू केविन पीटरसन खालू बोले खालू ये डॉक्टर साहब भैया प्लीज भैया गाइस जैसा कि मैंने बताया था ये 14वां दिन भी ऐसे ही खत्म हो गया। सूरज देखिए कितना नीचे पहुंच गया और अभी सीन बचा है बहुत सारा लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि तेज तेज फिर भी कर दें। तो लोंडे वन टेक वन शॉट दे रहे हैं रीटेक नहीं ले रहे हैं माशाल्लाह। मिलते हैं 15वें दिन कल। ये तो मैं ग्रुप में टॉप बनने के लिए करता हूँ खुदा कसम सबसे आगे डर लगता है बने में मेकअप करके ताकि ज़ॉम्बीज जो हैं वो हमें मारे ना। सूरज जाने वाला है सीन बहुत जल्दी करने वन टेक में देना जल्दी करने के बस क्या एक ही टेक मिल लिया जब वो मेरी गांड मार रहा था तो बहुत मजा आ रहा था तैयार रहने के बाद मिला है एक 3 सेकंड का सीन। थैंक यू सो मच राउंड टू हेल्प टीम एकदम बढ़िया तो लग रहा हूँ ना ज़ॉम्बी की तरह। वो कैसे चल रहे हैं तारीफ को देख कैसे चल रहे हैं तुम इतनी अश्लीलता आज की बात है वीडियो भी नहीं छोड़ रहे तो मुझे सब लोग फुर्ती ले जाइए उनकी रिक्वेस्ट पे हम उठाते हैं एक्शन। हां आज से मुझे टीम में सभी लोग फुर्ती ले चाहिए बात जैसी निगाह शेर जे जीता जैसी एक्शन। आज से मुझे टीम में सभी लोग फुर्ती ले चाहिए बात जैसी निगाह चीते जैसी चाल लीड मार यही होता है हमें मेरा सीन मैंने पहले अपना डन कर लिया क्योंकि बाद में इनके करवा एक्शन एक्शन अभी नहीं बोल सकता मैं चेतन ने मुझे साइलेंट बोल दिया है। अरे ये तो वही वाला जिसने मेरी मारी थी नहीं ये वो वाला जी तो वही वाला जिसने मारी थी वो बता रहा है किसके
आपके मेकअप ही मेकअप भाई है? क्या बनवा दिया ये अबे क्या है तो मतलब खत्म हो गया तो इतनी जल्दी खत्म हो गया लेकिन अच्छा लगा यार हमने पूरी मूवी देखी थी ज़ॉम्बी द लिविंग डेड पूरी मूवी देखी थी बड़ा मजा आया था सबसे मेरा तो दिल मतलब हो रहा था इसका पार्ट टू देखो एंड में इन्होंने वो क्या कहते हैं वो कर दिया ना ज़ॉम्बीज़ मारने आ रहे थे इन सबको लेकिन सब रुक गए अब ये नहीं पता पार्ट टू नहीं आया है ना पार्ट टू नहीं आया अब हम चाहते हैं इसका पार्ट टू आए हम देखें पार्ट टू मुझे ऐसा लगा जैसे पार्ट टू में लगे हुए ये लोग पार्ट टू में लगे हुए मेहनत कर रहे हैं नहीं नहीं ये लोग अभी पार्ट टू इतनी जल्दी नहीं लाएंगे क्योंकि ये लोग क्या करते हैं अभी कोई और वीडियो बनाएंगे ठीक है पहले कोई और वीडियो आएगी इनकी उसके बाद जाके इनका पार्ट टू आएगा पसंद आई तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें अगर हमारा रिएक्शन पसंद आया तो आयशा का कमेंट लिख के नीचे बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन और पे क्लिक करें फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ बाय बाय अल्लाह हाफिज़ टाटा लव यू